तरह से आप लोग सुना था मेरे को अपने आई न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं अपने पापा के फार्म हाउस जा रहा हूँ और वो काफी ज्यादा डूबा हुआ है और वो मीरपुर खास में। चलो चले मीरपुर खास इज द 16th लार्जेस्ट सिटी इन सिंध प्रोविंस। द सिटी वॉज बिल्ड बाई तालपुर रूलर्स ऑफ मनकानी ब्रांच। मीरपुर खास इज नोन फॉर इट्स मैंगो कल्टिवेशन। इट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ मैंगोज। द रीजन वॉज कॉन्कर्ड बाई द आर्मीज ऑफ मोहम्मद। मीरपुर खास इज 60 किलोमीटर अवे एंड मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गाइस अब हम हैदराबाद के टूल प्लाजा पे पहुँच चुके हैं और आगे अब मीरपुर खास ही पूरा। और अब ये हम मीरपुर खास में एंट्री हो चुके हैं और ये सिटी ऑफ मैंगोज है और काफ़ी प्यारी सिटी और हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है। गाइस एज यू कैन सी आई एम वेरी हैप्पी। गाइस मैं गाड़ी से इसलिए उतरा हूँ क्योंकि मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा नंब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है ना मीरपुर खास हैदराबाद से, तो इसलिए मेरी काफ़ी ज़्यादा नंब हो गई थी लेग्स मेरी। तो फिर मैं थोड़ी देर उतरा था और फिर मैं दोबारा गाड़ी में बैठ गया और अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखें रिवर इंडस आ गया। बस हम पहुँचने वाले थे, 20 मिनट्स लेफ्ट मीरपुर खास में अपने पापा के फार्म हाउस में। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शीप से, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें गाइस काफ़ी ज़्यादा शीप्स यहाँ पर, बहुत अलग अलग तरीके की तरह के हैं। पहुँचने वाले थोड़ा सा टाइम। गाइज मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद ये पहली सिटी थी जिसने पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को वेलकम किया। और गाइज यहाँ 35% पॉपुलेशन हिंदूज की भी है। गाइस सिंधी हिंदू की जो औरतें होती हैं ना, उनका कल्चर होता है बैंगल्स पूरी बाजू तक पहनना, फुल बाजू, और ना ये इनको बहुत यूनिक और अच्छा लगता है। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका अपने पापा के फार्म हाउस। और ये देख आपको जो मेरे पीछे दो व्हाइट कलर की बुल्स दिख रही हैं, उनके देखे सींग कितने बड़े बड़े हैं। और गाइस ये इंडियन ब्रीड है और इन दोनों के नाम है, एक का नाम है नूरी और एक का नाम है बेला, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी है एंड ये इंडियन ब्रीड है। देखिए काफ़ी बड़ी हैं ये, ब्लैक फेलोज से बड़ी हैं। और आपको दिखाता है ये ना वो तो गाय है ना, ये इंडियन नस्ल की है। चलो अब हम आगे भी चलते हैं, आपको पूरा मैं अपना फार्म हाउस का टूर देंगे एंड नेक्स्ट लोग आप देखना वो फैक्ट्री का होगा। वो फैक्ट्री के आपको अंदर ना वो होंगे सारे, आपको बता देंगे सारा कुछ। गाइस जो आपको दिख रही है ना बफेलोज काफ़ी सारी, ये कुंडी नस्ल की हैं और ये मेरे पापा के फार्म हाउस की ये सारी। और इनके ना जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो यहाँ अंदर बंद हैं। ये देखें ये इनके बेचारों का अलग किया हुआ है, ये देखें सारे इनके ना बच्चे हैं बफेलोज के। एंड आगे गोट्स भी हैं थोड़ी। एंड गाइस ये देखें डोंकी, डोंकी राजा, डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। ये देखें गोट्स गाइस, सारी गोट्स हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा पानी है, इसलिए बारिश बहुत तेज लगी थी ना पिछले हफ्तों में। मैंगो ऑर्चर्ड है, मैंगोज भी लगे हुए हैं। देखें और चलें गाइस अब हम अंदर बंगले की तरफ चलते हैं। और अंदर साइड है तो चलो गाइस आगे और भी मजे करते हैं। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड ये मुर्गों की आवाज़ कहाँ से आ रही है बार बार। चलो आपको मैं अपने पूरे फार्म हाउस का व्यू देता हूँ। ड्रोन को यहाँ उड़ा के ऊपर
सामने वाली पिंजरों में क्या है गाइस, जब मैंगो का सीजन आता है तो हम यहाँ पे मैंगो तोड़ के खाते हैं फ्रेश फ्रेश, और काफ़ी मज़ा आता है। और ये देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भी खड़ा हुआ है, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। और ये देखिए हमारी भैंस है, ये हमारे फार्म हाउस की भैंस है, हाँ बफेलोज हैं। एंड गाइस एक और चीज़ कहूँ आपको, डोंकी भी है यहाँ, डोंकी राजा, बोला डोंकी राजा, वो भी हमारे ही है। डोंकी राजा, डोंकी राजा, अब बजेगा सबका बाजा। क्या कर रही हो? हाँ मुझे ला रही हो। ये देखिए इनकी मामा, ये रही सारी, इनके बच्चे सेपरेट बंद है रूम में, और ये मेरी फेवरेट बफेलो कैटी। गाइस इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आती है, यहाँ पे हर जगह टी सी एंड बहुत मज़े की ऑक्सीजन आती है यहाँ पे, ऐसे सांस लें बहुत मज़ा आता है। और गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे वाइब आ रही, फ्रेश फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे ये कैसे कार है, कार है, कार है। फार्म हाउस का ऊपर का व्यू है, गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा पीस है, और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ से मैं छत पे आया हूँ, ऊपर से व्यू ले रहा हूँ, देखिए मेरे बाल भी उड़े, पेड़ भी उड़े। और यहाँ पे गाइस थोड़ी देर में ना बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की 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 बारिश स्टार्ट है। और यहाँ पे हर जगह पेड़, ट्रीज एंड ट्री है काफ़ी। गाइस ये देखें छोटे छोटे से स्नैक्स टाइप, ये अर्थ फॉर्म लग रहे हैं मुझे तो। एंड एक वो जा रहा है, हेलो, कहाँ भाग रहे, कहाँ भाग रहे, कहाँ भाग रहे, ये देखें गाइस करीब से दिखाता हूँ आपको कहाँ गया। क्या लेके जा रही है, हाय यू, एंड ये भी कुछ लेके जा रही है मैम। अभी आप मेरी चींटी देख रही, अपने से बड़ी चींटी को लेके जा रही है, देखें कितने कीड़े हैं लेके जा रहे हैं लोग, अपने से बड़ी चींटी को लेके जा रही है, देखें इसको पकड़। अब व्लॉग एंड करते हैं, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय या।